इतना शुभ मौका है, इतने शानदार शेर बता रहे हैं, तो शेर तो चलेंगे ही चलेंगे। इसीलिए अगला शेर आप बताइए कौन सा है। अगला शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से रहेगा, वो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मेरा मानना है कि अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया नहीं है, और अब थोड़ा सा हमें मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी आज भी देखिए, IRB जो इंडिया की सबसे बड़ी टोल कलेक्टर कंपनी है, आज भी जो 21,500 करोड़ के मार्केट कैप पर ये कंपनी अवेलेबल है, जिसके पास 70,000 करोड़ से ज्यादा के असेट है। और जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रहा है और मूवमेंट में ग्रोथ हो रहा है, हम देखेंगे इस बार इस कंपनी का मुनाफा 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो बिल्कुल IRB इंफ्रा को अगले 1 साल के लिए रडार पे रखना चाहिए, ₹60 लगते हैं। ये इंफ्रा एक शेयर है जिसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, उनको एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, ये इसकी काफ़ी चर्चा हुई है, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों के ज्ञान को बेहतर करने के लिए कुछ थोड़ा और विस्तार में बता सकते हैं आशीष सर। देखिए, IRB की बात करें या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बात करें कंपनियों का, अभी इन लोगों के पास में इतने ऑर्डर्स हैं कि इनफैक्ट वो जो उन्हें फुलफिल करने की कैपेसिटी जो है वो कम पड़ रहा है। क्योंकि सरकार की तरफ से, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो हर स्टेट में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हमने देखा NCC जैसे स्टॉक है, या विष्णु आर पुगलिया जो अभी रिसेंट लिस्टिंग जैसे स्टॉक है, उन्होंने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को। तो मुझे लगता है अभी भी IRB इंफ्रा ने उतना रिटर्न नहीं दिया जितना पीयर सेट के स्टॉक्स ने दिया है, तो इसलिए इसे स्टॉक पे बाई की सलाह है। बट ओवरऑल सेक्टर भी काफी अभी अट्रैक्टिव नजर आता है। यहाँ पर हमने देखा पहले HCC या पटेल इंजीनियरिंग जैसे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक जो मैंने आपके चैनल पे पहले कवर किए, ऑलमोस्ट डबल हो गए स्टॉक अपने एक एक साल में। अभी भी काफी स्कोप है यहाँ पर।